आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो आपके यूपीएससी तैयारी के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना की। ये योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई थी। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। ये योजना बच्चों के लिए एक पेंशन स्कीम है जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। इस स्कीम से जुड़े माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनके नाम पर पेंशन अकाउंट खोलकर निवेश कर सकते हैं। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड जारी किया जाएगा। इस अकाउंट में माता पिता नियमित निवेश करेंगे और बच्चा 18 साल का होने पर इसे रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल सकता है। इस योजना की खास बात ये है कि ये कंपाउंडिंग का फायदा देती है जिसे लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए एक मोटा फंड तैयार हो सकेगा। इस योजना का लाभ भारतीय नागरिकों के साथ साथ एनआरआई और OCI कार्ड होल्डर्स भी उठा सकते हैं। किसी भी बच्चे के माता पिता या अभिभावक जिनकी उम्र 18 साल से कम है इस योजना के तहत उनके नाम पर NPS वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना में जमा की गई राशि पर 3 साल के बाद आंशिक निकासी की सुविधा होगी। आप खाते में जमा कुल राशि का 25% निकाल सकते हैं और ये निकासी 18 साल की उम्र से पहले 3 बार की जा सकती है। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता है उसका एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर एनपीएस खाते में बदल जाता है। वयस्क होने पर इसे जारी रखने या बंद करने का विकल्प भी मिलेगा। दोस्तों, ये योजना बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का एक बेहतरीन माध्यम है। अगर आपके पास इससे जुड़े और भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें धेआईएस चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।